सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अशोक एडिटिंग। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 15 अगस्त है और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं यहां पर अच्छे से अच्छे फोटो एडिट करके आप लोगों को सिखाने वाला हूं और काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपने चैनल पर डरे हुए हैं उनको भी देख करके आप लोग परफेक्ट तरीके से 15 अगस्त पर फोटो एडिट कर सकते हो। तो जी हाँ गाइस, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को न्यू ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ जो कि दोस्तों 15 अगस्त पर ही है। और आज के इस न्यू वीडियो के अंदर आप लोग स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को 15 अगस्त का फोटो कैसे एडिट करना है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यूजर आईडी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जाकर के फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। विदाउट टाइम लेट गेट स्टार्ट। सो ओके गाइस, 15 अगस्त का फोटो एडिट करने के लिए आप लोग क्या करना है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ओपन करने के बाद में आप लोग एक वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है और इसका आप लोगों को पहले साइज फिक्स करना है। तो टूल्स पर आप लोग क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में क्रॉप पर जाना है और जो इंस्टाग्राम का रेशियो है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला रेशियो सेलेक्ट करके ऊपर से डन कर देना है। डन करने के बाद फिर से आप लोग टूल्स पर क्लिक करना और रिसाइज पर क्लिक करके आप लोगों को इसका साइज जो फिक्स कर लेना है ताकि दोस्तों हमारा जो फोटो उसका क्वालिटी लो ना हो, इसलिए आप लोग यहां पर 3000 फिल करके ऊपर से डन कर देना है। उसके बाद गाइस, अब आप लोग क्या करना है, अपने बैकग्राउंड को ऐड करना है। तो जितना भी PNGs मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड वगैरह यूज़ करूँगा, उसका सारा लिंक आप लोगों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर ऐड फोटो पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में और जो एक बैकग्राउंड है उसको यहाँ से हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो दोस्तों बहुत ही ईजी बैकग्राउंड है, मैंने खुद बनाया हुआ है, तो उसको आप लोगों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके ऐड कर लेना है और इसको फुल जूम करके इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद ऊपर से आप लोगों को डन कर देना है। डन करने के बाद में कुछ PNGs वगैरह इसको यूज़ करेंगे तो ऐड फोटो पर क्लिक करना है और उन सारी PNGs को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले PNG को ऐड कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके ऊपर की ओर आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो फटाफट हम लोग इस तरीके से बड़ा कर लेंगे और इसको कॉर्नर में एडजस्टमेंट करके इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों ऊपर से डन कर देना है। डन करने के बाद में अब यहाँ पर हम लोग अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ऐड कर दिया है और यहाँ पर बैकग्राउंड भी रेडी हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग अपने मॉडल्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जो भी आप लोगों के पास मॉडल हो आप लोगों का, उसको आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड करके पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हम लोग एक मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा एक मॉडल है, उसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेंगे। तो मैंने इस मॉडल को सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब इसका बैकग्राउंड आप लोगों को रिमूव करना है। तो दोस्तों, फोटो रूम एप्लीकेशन से आप लोग बैकग्राउंड रिमूव करोगे तो आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो परफेक्ट तरीके से अच्छे से रिमूव होगा। तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या हमारे चैनल पर आप लोग जाकर के देख सकते हो, फोटो रूम का पूरा ट्यूटोरियल मिला हुआ है। तो उसको कैसे यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे उस पर सारा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ पर कैसे करना है, तो रिमूव बीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ से जो बैकग्राउंड रिमूव होता है दोस्तों, वो क्वालिटी तो सही नहीं होता है। वहाँ से फोटो रूम से करोगे तो वहाँ से आप लोगों का बैकग्राउंड वो रिमूव हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग वेट करना है। वेट करने के बाद में यहाँ पर इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ऑन होने के बाद में आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो दोस्तों अच्छे तरीके से यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लेगा, प्रोसेस लेने के बाद में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस, आप लोग देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इस तरीके से यहाँ पर इसको छोटा करके इसको आप लोग मिडिल की ओर आप लोग इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। देखना गाइस, यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद गाइस, आप लोगों को ऊपर से डन कर देना है। डन करने के बाद में अब हम लोग एक एक करके सारे PNGs को ऐड करेंगे। तो ऐड फोटो पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम लोग सारे PNGs वगैरह इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले PNG क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो फ्लैग का PNG है, उसको हम ऐड करेंगे। तो यहां पर जो PNG है उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस, इस वाले फ्लैग बिलर जो बिलर जो फ्लैग PNG है उसको ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉर्नर पर इस तरीके से ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर लेयर्स पर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक करके इसको रोटेट कर लेंगे। इस साइड भी आप लोगों को एडजस्ट कर देना है। तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग कर लेना है और ऊपर से कर देना है डन। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर फिर से एक PNG को ऐड करेंगे। तो ऐड फोटो पर क्लिक करते हैं और वो भी PNG को भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर मैं
दो पीएनजी को ऐड करूँगा, एक ये पीएनजी है और एक गाइस जो यहाँ पर जो स्मोक वाला कलर्ड स्मोक है इसको भी ऐड करेंगे। तो ऐड फोटो पर क्लिक करते दो पीएनजी को मैंने पिक कर लिया है। सबसे पहले आप लोग स्मोक वाली पीएनजी को ऐड करना है, तो इसका जो यहाँ पर इसको नीचे कर लेते हैं और इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। एंड इसका जो ओपेसिटी है उसको हल्का सा हम लोग डाउन भी करेंगे। तो इतना करने के बाद इसका ओपेसिटी कुछ इतना रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आप लोग इसको क्लिक करना है और इसको आप लोगों को अपने यहाँ पर एडजस्टमेंट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद गाइस ऊपर से आप लोगों को डन कर देना है। डन करने के बाद में हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट पीएनजी को भी ऐड करेंगे, तो ऐड फोटो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो टेक्स्ट पीएनजी है उसको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो हमारा टेक्स्ट पीएनजी ये रहा है और इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए ऊपर से डन करेंगे और यहाँ पर आप लोग जहाँ भी ठीक लगे वहाँ पर एडजस्टमेंट आप लोग कर सकते हो। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, उसके बाद ऊपर से कर देता हूँ डन। तो यहाँ पर हमारा फोटो रेडी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर कलर को एडजस्टमेंट करेंगे। तो कलर को एडजस्टमेंट करने के लिए आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो, स्नैपसीड का भी यूज कर सकते हो एंड इस पिक्सआर्ट में अभी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइटिंग फिक्स करेंगे तो हल्का सा हम लोग लाइट को डाउन करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज, क्लियरिटी को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे एंड सैचुरेशन को भी आप लोगों को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 25 रख लेता हूँ एंड यहाँ पर हाइलाइट्स पर आते हैं, हाईलाइट को हल्का सा इंक्रीज करेंगे। शैडो पर आने के बाद में शैडो को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे। टेम्प पर क्लिक करने के बाद में टेम्प को हम लोग यहाँ पर कुछ 27 रख लेते हैं एंड ऊपर से कर देते हैं डन। तो फाइनली गाइज हमारा जो फोटो है वो कंप्लीट हो चुका है एडिट होकर। तो यहाँ पर सेव करने के लिए आप लोग ड्रॉ वाले टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके फोटो को यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेना है ताकि दोस्तों हमारा जो फोटो है वो गैलरी में सेव हो जाए। तो आई होप आप लोगों को इस तरीके से जो आज का जो ट्यूटोरियल है वो समझ में आया हो। इस तरीके से आप लोग 15 अगस्त कर फोटो एडिट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।